हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको आपके लिए बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बैंगनों में भी कीड़े होते हैं, इसलिए मैं बैंगनों की वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। कि आप जब भी बैंगन बनाओ बहुत ध्यान से बनाना। इसको कट कर लेना आप बीच से, अगर कोई कीड़ा होगा पता चल जाएगा। देखो बिल्कुल सही निकले हैं वैसे तो, अगर कीड़ा है तो कोई कटे नहीं, कीड़ा बिल्कुल सही निकले हमारे बैंगन। हम आपको बैंगन की रेसिपी दिखाएंगे आज। बैंगन अगर फ्रेश है तो हम छीलते नहीं है, बगैर छिले काटते हैं, और फ्रेश नहीं होते हैं तो पहली बात तो हम लेते ही नहीं, और अगर रखे रखे खराब हो जाते हैं तो हम उनको छील लेते हैं। आप भी इसी तरह करना, बहुत ध्यान से सब्जियों को बनाना पड़ता है। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है, अब मैं इनको कट कर रही हूँ। सारे कट करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, आपसे मैंने बोला था कि मैं बैंगन कट करके दिखाऊंगा, मैंने ये बैंगन कट कर लिया आधा किलो मेरे बैंगन के। अच्छे से धोकर वॉश करके मैंने तब इनको कट किया है, और ये अंदर से कोई खराब निकले, बिल्कुल फ्रेश निकले हैं। ये 8-10 मैंने हरी मिर्च ली है बैंगनों के लिए, 4 टमाटर लिए हैं देसी, इनको मैंने कट कर लिया है। आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मिर्ची है, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच नमक है। मैं आपको दिखाती हूँ तो बनते हैं। मैंने बैंगन डाल दिए इसमें, ये साबुत हरी मिर्च डाल ली, ये कट किए हुए टमाटर डाल ली उसमें, और जो मैंने मसाला निकाल रखा था ये मैंने मसाला डाल ली उसमें। आधा गिलास के करीब आप पानी डाल दो, बस इनको चलाओ अच्छे से और 2 सीटी इसमें मारो, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। मैं इनको फिर जब तड़का दूंगी तब आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने आपको अभी बैंगन दिखाए थे, मेरे बैंगन तैयार हैं, देखो पूरे। प्याज का तड़का लगेगा इसके अंदर, एक प्याज कट करके रख ली थी मैंने, अब तड़का दिखाते हैं। देखो मैंने प्याज फ्राई कर ली है पूरी एकदम तेल में, इससे ज्यादा भी तेल डाल सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर बात है। अब मैं इसमें तड़का दे रही हूँ, देखो मैंने इसमें तड़का लगा दिया प्याज का। ये प्याज का तड़का बैंगनों में बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हमारे बैंगन, टमाटर और बैंगन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मजे के बनते हैं। आप भी बनाकर देखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।